आज भारतीय गौरक्षा दल की मीटिंग गाजियाबाद में संपन्न हुई, जिसमें संगठन के आगे के कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई और नव निर्वाचित पदाधिकारियों को सम्मान किया गया, जिसमें मुख्य रूप से गाजियाबाद के बीजेपी सांसद पंकज त्यागी जी व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। गौ संवर्धन के प्रति प्रतिबद्ध है और यहाँ गाजियाबाद में जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये साबित किया है कि उन्होंने इसको गौ सेवा को अपने दिल से लगा के और अपना एक कर्म समझ के और हर क्षेत्र में, अभी तो हमारे बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं, जैसे हमारे माननीय रविंदर सिंह जी हैं, वो गौ सेवा ही नहीं, वो मानव सेवा भी करते हैं, पशु पक्षियों की भी सेवा करते हैं। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता मौजूद हैं, पुनीता जी हैं दिल्ली से, पुनीता जी आई हुई हैं, नहीं आई, गीता अरोड़ा जी वो भी नहीं है, ठीक है, तो रेस्क्यू में गई हुई है। तो ये है कि सेवा सर्वप्रथम है, गौ सेवा हो, पशु पक्षी की सेवा हो, मानव सेवा हो, ये हमारा लक्ष्य है। हमारा कोई पॉलिटिकल और राजनीतिक एजेंडा नहीं है। हम लोग गौ सेवा के साथ साथ भारतीय गौरक्षा दल ने आज एक नई शुरुआत करने की कोशिश की है, जिसमें अब हम लोग गौ सेवा के साथ साथ पशु पक्षी और पर्यावरण इसकी भी सुरक्षा करेंगे और इसकी भी रक्षा करेंगे, क्योंकि आज आप देख रहे हो तरह तरह की महामारियां फैल रही है, कोरोना फैल रहा है, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ, वह बर्ड फ्लू चालू हो गया। तो हम लोग प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं, हम लोग जो प्रकृति ने हमें मुफ्त में दिया है उसकी हम लोग कभी कद्र नहीं करते। प्रकृति ने हमें हवा दी है, पानी दी है, पृथ्वी खेत दिया है, खलिहान दिया है, लेकिन हम उसकी रक्षा सुरक्षा नहीं करते हैं। दिन ब दिन पेड़ों को काटे जा रहे हैं, पौधे काटे जा रहे हैं, बिल्डिंगें बनी जा रही हैं। जब हरियाली नहीं रहेगी, पशु पक्षी सुरक्षित नहीं रहेंगे, पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा, तो हम कहाँ सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए हम लोगों को इस विषय पर ध्यान देना है और इसीलिए भारतीय गौरक्षा दल तो गौ सेवा और गौरक्षा के प्रति समर्पित है ही, वर्षों से काम कर रही है। और आप लोगों को जान के खुशी होगी कि सबसे ज्यादा गौ रेस्क्यू करने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारतीय गौरक्षा दल के नाम पर। अमेरिका के बहुत ही विख्यात लेखक, जब आप गूगल के बुक सेक्शन में जाओगे, गूगल खोलोगे, बुक सेक्शन में जाओगे, वहां आप भारतीय गौरक्षा दल टाइप करें तो भारतीय गौरक्षा दल के ऊपर में एक बहुत मोटी सी लंबी चौड़ी किताब लिखी गई है और हम लोगों के कार्य प्रणाली को उसमें दर्शाया गया है कि हम लोग किस तरह काम करते हैं। तो जब आप काम करोगे तो आपका नाम स्वयं अपने आप आगे बढ़ेगा और आगे आएगा। अभी तक वर्तमान समय तक हमारी संस्था जो थी एक सोशल संस्था थी, सामाजिक संस्था थी, अब हम लोग इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड होने जा रहे हैं और निकाय चुनाव हो गया या ग्राम पंचायत का चुनाव हो गया, नगर निगम हो गया, विधानसभा हो गया, लोकसभा हो गया, इस सब में हमारे जो गौ सेवक हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और बहुत सारे जो राज्य हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी गठबंधन होने जा रही है और हमारी बातचीत चल रही है। क्योंकि हम संघ परिवार का हिस्सा है तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ है, हम सब मिल के काम करते हैं। तो बहुत सारे राज्य के मुख्यमंत्री को भारतीय गौरक्षा दल ने ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन के थ्रू काम भी हुआ है, जैसे उत्तर प्रदेश में